माफी के लिए बोला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ आप लोग तमाम देखने वाले दोस्त आज खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं सामने हबीब बैंक साइड एरिया का ब्रिज है और वहाँ से सीधे आ रहे हैं। ये रोड जो है, इधर पहली कारपेटिंग हो चुकी थी, हमने इसकी आपको अपडेट दी थी। अब रोड की दूसरी तरफ काम जारी है और रोड कारपेटिंग के सिलसिले में जो भी प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। यहाँ पर मशीन जो है वो काम कर रही है और ये मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ। रोड को, जो पुराना रोड है उसको यहाँ से निकाला जा रहा है बजरिया मशीन और ट्रक में ये काम किया जा रहा है, लोड किया जा रहा है सारा जो भी रोड का पुराना है। तो ये तमाम सूरत हाल है। ये सिस्टम होगा जैसे तकरीबन तमाम रोडों का होता है कि अब जो बारिश का पानी है वो सारा स्लोप इधर होगा, ठीक है, और इन नालों में जाएगा। ये जो नाले आप देख रहे हैं, इन नालों के अंदर बारिश का पानी जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, बाकायदा काम किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं हाथ के हाथ काम किया जा रहा है, मशीन लगी हुई है। और ये पाइप जैसे मैंने बताया था नीचे थे रोड के ऊपर, अब इनको उठा के फुटपाथ के ऊपर कर दिया गया है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये जो पाइप है ये पहले रोड के ऊपर मौजूद था, अब इसको यहाँ से ऊपर फुटपाथ पर शिफ्ट कर दिया गया। और ये जो आप से बरसाती नाला देख रहे हैं सेंटर में, ये नाला मुकम्मल हो चुका है, कुछ हिस्सा इस वक्त खोला हुआ है ताकि जब काम मुकम्मल होगा रोड कार्पेटिंग का तो इसको भी कवर किया जाएगा। आगे की साइड पर सीमेंट चौरंगी है और ये काम यहाँ से अब इस रोड के ऊपर काम शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ से रोड बंद किया गया है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक थोड़ा बहुत आ रहा है। जैसे जैसे मशीन इस रोड को पूरा उखाड़ देगी वहाँ से रास्ते बंद हो जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये खोला हुआ है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि बारिशों के सीज़न है, अगर नाला चौक होता है तो यहाँ से जो है मशीन के ज़रिए आगे भी पेचिस वगैरह खुले हुए हैं इसके, तो उनको जो है बजरिया मशीन नाले को क्लियर किया जा सके। क्योंकि अभी इस तरफ का जो रोड है ये बनाया जा चुका था, पहली पाइंटिंग हो चुकी थी, अब इस रोड पर काम हो रहा है। सामने जैसे मैंने आपको बताया अभी बैंक साइड एरिया का पुल है और यहाँ से ये सीधा जाएगा सीमेंट चौरंगी से और वहाँ तक का रोड बंद किया हुआ है। ये पानी की लीकेज वगैरह के लिए हमने रोड क्रॉसिंग में पाइप डाले। हाँ, अगर पीछे किसी की सप्लाई की लाइन फंसी हुई या पानी की लाइन फंसी है तो पानी सारा उस चैम्बर में जाएगा, चैम्बर से ना जाएगा, चैम्बर से नाले के अंदर जाएगा, हाँ रोड पर नहीं आएगा, ना जमा होगा, ना जमा होगा, इसलिए सुराग किया जा रहा है। यहाँ पे डेढ़ फीट डिलीट होगी, उसके बाद ये रोड दूसरा बनेगा नाले की तरफ।
यानी कि ऐसा बने। पूरा रोड यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा जो कि अब नए सिरे से बनाया जाएगा। इस रोड की बहुत बुरी हालत थी बादल भी काफ़ी आ चुके हैं लेकिन अभी फिलहाल धूप निकली भी है और काम यहाँ पर तेज़ी के साथ जारी है। साथ के साथ रोड को उखाड़ा जा रहा है और मलबे को ट्रक में लोड करके मलबे को यहाँ से हटाया भी जा रहा है। आगे की साइड का जो है वो स्क्रैप करने के बाद उसको लेबल किया गया है। अब ये सारा स्क्रैप किया जा रहा है। सामने आपको नज़र मशीन नज़र आ रही होगी और डंपर भी मौजूद है जो स्क्रैप हो रहा है। जो मलबा निकल रहा है वो ट्रक में लोड हो रहा है डंपर में और वो यहाँ से मूव किया जा रहा है। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं साइड एरिया हबीब बैंक से। ये सामने साइड एरिया हबीब बैंक है और यहाँ से आगे सीमेंट्स और फिर उसके बाद गनी चौरंगी वगैरह ये पूरा रोड आगे तक जाएगा और इस तरफ का जहाँ ट्रैफिक चल रहा है इस पर पहली बाइंडिंग यानी पहली लहर डाली जा चुकी है और उसको ट्रैफिक के लिए खोला गया है ताकि बाद में जब भी कोई बारिशों के बाद या उससे पहले कोई दबता है तो वो देख लिया जाएगा और फाइनली बाइंडिंग इसकी बाद में होगी। पहले अब इधर काम किया जा रहा है, इधर भी पहली बाइंडिंग करके रोड को छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फिर दोनों तरफ जो है फाइनली रोड कारपेटिंग का अमल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट साइड एरिया हबीब बैंक से सीमेंट चौरंगी तक की। यहाँ से दीजिए हमें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।